आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बुरे काम करते हैं और धन का लालच करते हैं। ऐसे लोगों को गुरु साहिब कहते हैं, हे मन, किस बुरी मति में लग गया है। हे अभागे मन, परमात्मा का नाम भुला के अन्य ही स्वादों में मस्त हो रहा है। परमात्मा का नाम ले, ले नहीं तो समय बीत जाएगा और तू फिर पछताएगा। अवगुण छोड़ और गुण हासिल करने का यत्न कर। अगर अवगुण ही करते रहोगे तो पछताना पड़ेगा। इस अंग में गुरुजी लोगों को लोभ त्याग, निंदा और झूठ त्याग करने को कह रहे हैं। पिछली साखी में आपने देखा कि कैसे बाबा श्रीचंद जी ने एक फकीर को मालामाल कर दिया। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन देखें। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। एक समय श्री गुरु नानक देव जी के छोटे पुत्र श्री लक्ष्मी चंद जी शिकार खेलने गए। वहीं पर उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। और शिकार कर वापस उस मृत हिरण को अपने निवास स्थान की ओर लेकर निकल गए। संयोग वश जब बाबा श्री लक्ष्मी चंद जी मृत हिरण को लेकर वापस आए तो उस समय बाबा श्री चंद जी घर पर मौजूद थे। मरे हुए हिरण को देखकर बाबा श्री चंद जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने भाई को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी, शिकार करना उचित नहीं है, इससे कई निर्दोष जीवों के प्राण चले जाते हैं। निर्दोष जीव को मारकर आपने जो पाप किया है उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। यह सुन बाबा लक्ष्मीदास जी बड़े हैरानी से बोले, भाई साहब जी, हम सतगुरु नानक देव जी के साहिबजादे हैं, क्या हमें भी लेखा देना पड़ेगा? हाँ लक्ष्मी, हमें, तुम्हें, सभी को अपने कर्मों का लेखा देना पड़ेगा, चाहे हम किसी की भी संतान हो। परमात्मा के घर अमलों पर निपटारा होता है, यानी कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं और वहाँ पर किसी का भी लिहाज नहीं चलता, चाहे आप सतगुरु नानक जी के पुत्र ही क्यों ना हो। यह सुनते ही बाबा लक्ष्मीदास जी विचलित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल को उस मृत हिरण पर छिड़क कर उसे दोबारा जीवित कर दिया। फिर उन्होंने अपना घोड़ा तैयार किया। घोड़े पर उन्होंने अपनी बीवी और अपने पुत्र धर्मचंद को बिठाया और बाबा श्रीचंद जी से जाते हुए बोले, भाई साहब जी, अब हम स्वर्ग लोक जाकर ही अपना लेखा देकर आएंगे। यह कहते ही वह संपूर्ण परिवार और घोड़े समेत आकाश की ओर उड़ने लगे। बाबा श्रीचंद जी यह देखकर दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे, अगर लक्ष्मी दास अपने पुत्र समेत मोक्ष पा लेगा तो पिता श्री गुरु नानक देव जी का हमारा वेदी वंश तो समाप्त हो जाएगा और हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। इसी सोच में घोड़ा चार जोजन ऊपर जा चुका था। बाबा श्रीचंद जी ने चार जोजन यानी 20 मील ऊंची बाजू करके बालक बाबा धर्मचंद को नीचे उतार लाए। उसी दिन से बाबा धर्मचंद जी को पालने का फर्ज लागू हो गया। बाल ब्रह्मचारी महात्यागी बाबा श्रीचंद जी एक मासूम बच्चे के घोर जंजाल में उलझ गए। माँ के बिना छोटा बालक दूध ना मिलने के कारण रोने लगा। इतिहास बताता है कि महाराज ने अपने पैर का अंगूठा बालक के मुंह में डाल दिया और बाबा की शक्ति से अंगूठे से दूध निकलने लगा। इस प्रकार बालक का पालन पोषण होने लगा। कई बार जब बाबा जी ध्यान में होते थे तो बालक धर्मचंद अपने ताया के कंधे पर सवार हो जाते, कभी जटाएं खींचते और कभी कानों की मुद्रा खींचते और बालक की इन हरकतों के कारण महाराज की समाधि खुल जाती। बाबा जी के एक शिष्य होते थे जिनका नाम बाबा कमलिया था। अपने भतीजे की हरकतों को देखकर बाबा श्रीचंद
बाबा कमलिया से कहते थे, अकाल पुरख कितना बेअंत है, कभी हम आपके कंधे पर चढ़ते थे और आज हमारे कंधे पर चढ़ने वाला आ गया है। एक हाथ लो और एक हाथ दो, कैसा सुंदर मुकद्दर है। इस प्रकार बाबा जी ने बड़े लाड प्यार से अपने भतीजे धर्मचंद जी की परवरिश की। समय पर भोजन खिलाना, स्नान कराना, वस्त्र बदलना और फिर रात्रि में उसके साथ ही सोना, यह सब देखकर बाबा श्रीचंद जी सोचते थे, हे प्रभु, यह आपकी अद्भुत लीला ही है जो आपने अपने तपस्वी और त्यागी को भी ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जो कि एक गृहस्थी से भी बढ़कर कई गुना ज्यादा है। माता पिता दोनों का फर्ज मुझे अकेले ही निभाना पड़ रहा है। बच्चे को दूध पिलाना, स्नान करवाना, वस्त्र आदि बदलना, सुचेत करवाना, भोजन खिलाना, लाड प्यार करना, बच्चे की मुंह मांगी वस्तु को लाना, यह सब मुझे करना पड़ता है। हे मालिक, आप धन्य हैं। इस प्रकार बाबा श्रीचंद जी ने बाबा धर्मचंद को सख्त परिश्रम से बड़ा किया ताकि उनका बेदी वंश दुनिया में विद्यमान रहे। असल में सोचा जाए तो यह बाबा श्रीचंद जी का बेदी कुल पर एक बहुत बड़ा उपकार है। जब बाबा धर्मचंद जी बड़े हुए तो बाबा श्रीचंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और बेदी वंश को दुनिया में प्रफुल्लित किया। बाबा धर्मचंद जी की शादी हुई और उनके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम मानक चंद तो दूसरे का मेहर चंद जी रखा गया। अभी भी डेरा नानक चंद में बाजार के एक तरफ को मानक चंद जी और दूसरी ओर को मेहर चंद जी कहा जाता है। नानक चक नामक गांव बटाला तहसील गुरदासपुर जिले में स्थित है। इस स्थान को पहले कादराबाद जंगल के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस स्थान पर घना जंगल था और गांव का नाम कादराबाद था। इसी कारण बाबा श्रीचंद जी महाराज ने घना जंगल होने के कारण इस स्थान को पसंद किया और अपना धुना जलाया। बाबा जी यहां कई साल तक निवास करते रहे। यह स्थान डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर से 9 मील की दूरी पर है। आज इस जगह पर बाबा श्रीचंद जी का स्थान बना हुआ है। हर साल लोग बाबा जी का जन्मदिन यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हर साल अमावस के दिन यहाँ पर भक्तों का समूह एकत्रित होता है। इस स्थान का नाम पहले कादराबाद था, फिर भगवान श्रीचंद जी का परगना जो आज भी पन्नों में दर्ज है, इन दोनों नामों को बदलकर बाबा श्रीचंद जी महाराज ने इसका नाम अपने पिताजी के नाम पर नानक चक रख दिया। आजकल इस स्थान पर उदासी मठ के महात्मा ही पूजा करते हैं। बाबा जी के नाम पर 700 बीघा जमीन है जो जहांगीर बादशाह ने बाबा धर्मचंद जी के नाम अपने पट्टे द्वारा लिखवाई थी। इस बात का इतिहास कि यह 700 बीघा जमीन किस लिए बाबा श्रीचंद जी के नाम जहांगीर ने की थी और क्यों जहांगीर बाबा श्रीचंद जी के पैरों में गिर गए थे, यह सब जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।